हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। आज 8 अगस्त 2019 की सभी कर्मचारियों के लिए सरकार की बड़ी सौगात, सैलरी में होने वाला बड़ा इंक्रीमेंट आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही दिखाया जाएगा कि किसकी सैलरी में आपका जो है इंक्रीमेंट होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर रेड बटन को प्रेस करके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए हमारे सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। हम आपको एक बात और बता दें, हमारी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आपको इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मस्ट है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप तक हमारा कोई भी वीडियो नहीं पहुँचेगा, इसलिए इसको जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए पहले कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आई हैं, वो खबरें देख लेते हैं, फिर देन आपको हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देंगे। ये आप देख सकते हैं, एक्चुअली खबर आ रही है केंद्रीय विद्यालय संगठन से, केवीएस से, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से। केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालय संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का फैसला लिया है। केवीएस पर्सनल विभाग ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक इन कर्मचारियों का ग्रेड पे 4200 रुपये से बढ़ाकर 4600 रुपये किया गया, यानी उनका प्रमोशन के लेवल 6 लेवल से लेवल 7 हो गया है। इससे उनकी सैलरी करीब 5000 रुपये मंथली बढ़ गई है। बेसिक सैलरी बढ़ी। ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हरिशंकर तिवारी ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि केवीएस में तैनात असिस्टेंट एडिटर पद के कर्मचारियों की सैलरी में इंक्रीमेंट लगा है। उनकी ग्रेड पे 4200 रुपये से बढ़ाकर 4600 रुपये की गई है। इससे न सिर्फ उनकी बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी बल्कि एचआरए और डीए पर भी असर पड़ेगा। 6 अगस्त को आया था आदेश। हरिशंकर तिवारी ने बताया कि आदेश की कॉपी 6 अगस्त को जारी हुई है। इसमें पे बैंड 2 के तहत असिस्टेंट एडिटर पद के कर्मचारियों की सैलरी की रिवीजन की बात की गई है। पर्सनल विभाग में जॉइंट कमिश्नर डॉक्टर शशिकांत के आदेश के मुताबिक यह इंक्रीमेंट 1 जनवरी 2016 से लगेगा, यानी इन कर्मचारियों को करीब 3.5 साल का एरियर भी मिलेगा। आदेश की कॉपी एचआरडी मिनिस्ट्री और केवीएस अथॉरिटी को भी दे दी गई है। के लेवल 7 की बेसिक 44900 रुपये, सातवें वेतनमान के पेमेंट इसके मुताबिक 7 लेवल 7 के अफसरों की मिनिमम बेसिक सैलरी 44900 रुपये होती है। इसके साथ 12% डीए और 10776 रुपये एचआरए अलग जोड़कर मिलता है। लेवल 6 की बेसिक पे 35400 रुपये, डीए 12% और एचआरए 8496 रुपये है। आपने देख लिया ये, अब चलिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की तरफ से जो जारी किया गया है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं 6 अगस्त 2019 को ये पब्लिश किया गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें पॉइंट जो पैराग्राफ 2 है इसमें देखेंगे सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी आफ्टर टेकिंग कंकरेंस ऑफ द डीओ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ कॉन्वेट द एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिवाइज द पे स्केल टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एडिटर इन पेमेंट टू विद ग्रेड पे ऑफ ₹4600 1/1/2006 एंड सब्सिक्वेंटली पे मैट्रिक्स लेवल 7 WEF 1/1/2016 कॉरस्पॉन्डिंग टू द रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रेड पे ऑफ ₹4600 अकॉर्डिंगली द सेम इज अडॉप्टेड बाय केंद्रीय विद्यालय संगठन। यानी आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2016 से ये लागू हो चुका है। बकायदा आपको 3 साल का जो है एरियर भी मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।